हसिया क्षेत्र में गेहूं की कटाई शुरू हो चुकी है। गेहूं की फसल पककर तैयार है, मगर किसानों के सामने समस्या है कि न तो मजदूर मिल रहे हैं और न ही गेहूं की कटाई के लिए कंबाइन मशीनें। जो पंजाब से मशीनें आती थी, इस बार पंजाब से कंबाइन मशीनें नहीं पहुंची हैं और स्थानीय जो लोग गेहूं की कटाई मशीनों से करते थे, उन्होंने भी अब तक अपनी मशीनें बाहर नहीं निकाली हैं, जिस वजह से किसान परेशान है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि गेहूं की इस बार कटाई कैसे होगी। परिवार छोटे हैं, रकबा ज़्यादा है और ये भारी समस्या से जूझ रहे हैं। यह तो समय ही बताएगा कि मशीनें पहुंच पाएंगी या नहीं, लेकिन फिलहाल किसान परेशान है कि गेहूं की कटाई होगी तो आखिर कैसे होगी। हांसी से जनता टीवी के लिए राजकुमार बडाला। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते लॉकडाउन की जो लगा है, उसके बाद में सबसे ज़्यादा पशुपालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ राजस्थान से आए ग्वाले से हज़ारों की संख्या में आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे गाय खेतों में रोकी हुई हैं, और जो पशुपालक हैं इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनको चारे की है और साथ के साथ इनके जो खुद के राशन की है, और इसके अलावा एक गांव से दूसरे गांव में ये जाते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे पशुपालक हैं और गाय से दूसरे गाँव के लिए जाने के लिए फिलहाल इनके बीच में हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन और दादरी के विधायक सोमवीर सांगवान पहुँचे हैं। हम उन्हीं से बातचीत कर रहे हैं। सांगवान साहब, सबसे ज़्यादा इनको प्रॉब्लम है, चारे की समस्या है, राशन की समस्या है, तो आप यहाँ पे पहुँचे हैं तो किस तरह का समाधान है आपका? इनके जो प्रॉब्लम है, एक तो राशन की थी, जो शहर में जाने जाने में दिक्कत थी, इनके एक महीने के भोजन की व्यवस्था करा दी गई है। दूसरी समस्या है इनको पशुओं को पानी पिलाने की, तो भाई विजय मंदोला ने और संजय सरपंच ने जो यहाँ तालाब है इनका अपना खेत है 16 एकड़ का, उसमें इनको स्थापित कर दिया है। वहाँ पानी पीने व्यवस्था और प्रशासन की तरफ से मैं जल्दी ही इनको डीसी साहब से बोला है कि इनके पशुओं के चारे व्यवस्था कैसे किया जाए, कैसे समाधान हो। जो गौ माता जो हमारे ये तो मेहमान के रूप में जो 12 महीना हरियाणा में घूमते हैं, तो इनके पशुओं की भी चारे की व्यवस्था हो जाए, उसके बारे में डीसी साहब से मेरी बात हुई है। मैं जल्दी ही कोशिश करें इनकी ये समस्या समाधान हो, करिए 5-10 दिन जब तक ये कोरोना का जो लॉकडाउन है इसके अंदर ये यहाँ रहें, किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो और गौ माता भूखे और प्यासे न मरे। हमारा धर्म कर्तव्य बनता है, हिंदू धर्म इससे बड़ी कोई सेवा भी नहीं है। धन्यवाद। ये हमारे साथ दादरी के विधायक सोमवीर सांगवान थे, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जो गौ चालकों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत कर ली गई है। इसके अलावा इनके चारा और राशन की भी व्यवस्था इनके द्वारा की गई है, ताकि एक महीने तक ये लॉकडाउन जब तक चले तब तक ये यहीं पर आए। चरखी दादरी से मेरे सहयोगी विजय कुमार के साथ प्रदीप साहू, जनता टीवी। देश में लॉकडाउन का 16वां दिन है और फरीदाबाद में 18वां दिन, और लॉकडाउन की स्थिति जानने के लिए फिलहाल हम पहुंचे हैं अनाज मंडी में। जिस तरह से सरकार ने दावा किया है कि किसान का एक एक दाना खरीदा जाएगा और समय रहते हुए खरीदा जाएगा, किसान को चिंता करने की कोई बात नहीं है। और फिलहाल हमारे साथ इसकी जानकारी देने के लिए यहाँ पर जो आढ़ती हैं, जो सेक्टर 16 अनाज मंडी में यहाँ पर पूरी तरह से किसान का एक एक दाना खरीदते हैं और यहाँ से सरकार उठाती है, तो उनसे जानकारी लेते हैं कि किस तरह से उनकी बात सरकार के नुमाइंदों से हुई है, क्या फैसले लिए गए हैं और किस तरह से किसान का दाना किन किन शर्तों पर खरीदा जाएगा, और अब उन्होंने तैयारी किस तरह से की है, क्योंकि जल्द ही किसान का दाना 15 अप्रैल को सरसों शुरू हो जाएगी जिसका खरीदारी शुरू होगी, उसके बाद 20 तारीख से यहाँ पर गेहूं की खरीदारी शुरू कर दी जाएगी। सर, आपका शुभ नाम? संदीप। संदीप जी, आप आढ़ती हैं और जो सरकार कह रही है, दावा कर रही है कि किसान का एक ही दाना खरीदा जाएगा, तो तैयारियाँ कैसी हैं आढ़तियों की? तैयारियाँ अपनी तरफ से पूरी हैं। जो है, जो माल जब 20 तारीख से परचेज होगी गेहूँ की, जैसे किसान लगाएगा उसकी परचेज सारी की जाएगी। कुछ रजिस्ट्रेशन करवाए गए किसानों के? किसानों के काफ़ी रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, कुछ रह गए हैं, तो गवर्नमेंट ने जो 19 तारीख तक के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा दोबारा से वो खोल दिया है पोर्टल, वो आज से दोबारा से चालू हो गए हैं। जो किसानों का नहीं हुआ है अभी तक रजिस्ट्रेशन, वो रजिस्ट्रेशन आज से करवाना चालू कर दिया है। सबसे बड़ी जो समस्या जिस समय सभी को दिख रही है कि अगर लॉकडाउन नहीं खुला तो लेबर की समस्या अनाज मंडियों में ज़रूर आ सकती है। हालांकि बारदाने की जो बात चल रही है, बारदाना जो एजेंसी खरीदेगी वो पहुंचाएगी अनाज मंडी तक, लेकिन लेबर की समस्या कहीं ना कहीं आ सकती है। अगर 15 के बाद अगर लॉकडाउन खुलता है तो फिर सुचारू रूप से यहाँ पर अनाज मंडी शुरू हो जाएंगी और किसान का एक एक दाना जिस तरह से सरकार ने दावा किया है वो पूरी तरह से खरीदा जाएगा। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए गजेंद्र राजपूत। कोरोना वायरस को लेकर देश भर में लॉकडाउन है, लेकिन उसके बावजूद भी आए दिन देश में और प्रदेश में
कोरोना के जो मरीजों की संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारे साथ SMO डॉक्टर यशपाल मौजूद है, उन्हीं की जुबानी जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, नारनौंद में किस प्रकार के हालात है, क्या अभी तक स्थिति नियंत्रण में है? देखिए, नारनौंद में फिलहाल जो है हमारी पूरे नारनौंद ब्लॉक में बराबर नज़र बनी हुई है। विदेश से आए लगभग 60 लोग जो है हमारी निगरानी में थे, जिनमें से करीब 55 लोगों का क्वारंटीन पीरियड जो है पूरा हो चुका है, उनमें कोई भी लक्षण देखने को नहीं मिले। इसके अलावा हमने भारत के विभिन्न हिस्सों से आए लोगों की पूरे ब्लॉक की लिस्ट बनाई हुई है, जो कि करीब 1750 के लगभग करीब लोग हैं जो होम क्वारंटीन में रखे गए हैं। हमारे सभी हेल्थ इंस्पेक्टर्स और स्वास्थ्य कार्यकर्ता 24 घंटे सातों दिन बराबर इस काम में लगे हुए हैं। फिलहाल मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे एरिया में स्थिति नियंत्रण में है और ऐसा कोई सिम्टोमेटिक केस हमें नहीं मिला। डॉक्टर साहब, अभी एक सूचना आई थी कि कुछ लोग बाहर से आए हैं, जमात के लोग हो सकते हैं, संख्या के आधार पे क्या उनका परिणाम रहा? देखिए, हमारे पास ऐसी जो है प्रशासन और लोकल गांव के लोगों के माध्यम से सूचना आई थी, एक बहनी अमीरपुर गांव से, दो मिलकपुर गांव से, जिनको हमने एहतियातन तौर पर जिला आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट करवाया गया था और उनकी अब रिपोर्ट भी आ चुकी है जो कि नेगेटिव है और संबंधित सभी लोग जो है क्वारंटीन में रखे गए। हमारे साथ SP जोगिंदर राजी मौजूद है, आइए उन्हीं की जुबानी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार नारनौंद में जो लॉकडाउन है उसका कैसा असर देख रहे हैं? लॉकडाउन का असर 100% है हमारे नारनौंद में, लोग काफ़ी अच्छे से समझ पा रहे हैं, शुरुआत में कोई दिक्कत थी लेकिन अब लोग इसको समझ चुके। कुछ जगह से ऐसे भी कॉल आते हैं कि फला गांव में कोई व्यक्ति आ गया है, उस गांव में आ गया है, तो क्या प्रशासन उन सब के ऊपर ध्यान देता है? बिल्कुल, जहां से भी छोटी सी कॉल आती है उस छोटी सी कॉल पर भी हम तुरंत तबीयत कार्रवाई करते हैं। विशेष सहयोगी रोहित पंचाल, संदीप चांगड़ा के साथ अजय लोहान, जनता। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों ने सरकार और प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी है। वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में लॉकडाउन के चलते किस तरह के हालात हैं, हालांकि आज लॉकडाउन का 16वां दिन है और साइबर सिटी गुरुग्राम में जो नाके हैं वो लगातार लगे हुए हैं। और आपको बता दूं कि गुरुग्राम पुलिस कहीं ना कहीं मुस्तैद नज़र आ रही है। गुरुग्राम में करीब 100 नाके लगाए गए हैं, जहाँ पर जो पुलिस है वो नाकों पर मौजूद है, आने जाने वाले लोगों को चेक किया जा रहा है, उनके पास चेक किए जा रहे हैं और जो लोग बेवजह सही कारण नहीं बता पा रहे उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है, क्योंकि ज़्यादातर लोग सड़कों पर घूमने निकले हैं उनके खिलाफ़ गुरुग्राम पुलिस अब सख्त नज़र आ रही है। जिनके पास नहीं है उनके खिलाफ़ अब कानूनी कार्रवाई की जा रही है, मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और गिरफ्तारी भी की जा रही है। किस तरह से लॉकडाउन चल रहा है, किस तरह से लोग पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन में मतलब कोई घर से बाहर निकले, समझाए भी जा रहे हैं बार बार पब्लिक को, लेकिन कई बार पब्लिक की भी मजबूरियाँ होती है, खाना वगैरह लेने के लिए या कोई सामान लेने के लिए बाहर निकलते हैं। तो क्या पास उनका चेक किया जा रहा है? और जिनके पास नहीं है, अगर उनको ये गाड़ी है बाइक है उसको इंपाउंड कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं उनके खिलाफ। क्या लगता है गुरुग्राम में जो लोग हैं जो गलियों में बैठे हैं, सड़कों पर बेवजह निकले हैं, उनके लिए क्या अपील करना चाहिए? उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई बाहर मत निकले, और कर भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं कि बाहर मत निकलिए, और उसके बाद भी पब्लिक अगर आती है तो पहले प्यार से समझाते हैं, नहीं मानते तो फिर कार्रवाई करनी पड़ती है। अब देखना होगा कि लगातार कोरोना महामारी का कहर देश में चल रहा है, इससे लोगों को कब तक निजात मिल पाएगी। हालांकि लॉकडाउन बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो लोगों के लिए और भी मुश्किलें खड़ी होंगी। गुरुग्राम से विजेंद्र कुमार, जनता TV। आप देख सकते हैं कि भिवानी के बाजार पूर्ण रूप से बंद है, लोगों को कहा गया है कि लॉकडाउन है इसलिए बाजार ना खोले। पुलिस भी है वो ड्यूटी पर है, हर नाके के ऊपर पुलिस तैनात है, आने जाने वाले व्यक्ति से पुलिस पूछताछ कर रही है। आप जिस प्रकार से आप देख भी सकते हैं कि दो व्यक्ति यहाँ रुके हैं, उनको पुलिस पूछ रही है, उनसे पूछताछ कर रही है कि अनावश्यक रूप से तो कोई बाहर नहीं है, अनावश्यक रूप से कोई बाहर होता है तो उनके खिलाफ़ पुलिस कार्रवाई करती है, उनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करती है, क्योंकि इस प्रकार से अपील की गई है कि कोरोना वायरस फैलने का खतरा है इसलिए बाहर ना निकले। इस प्रकार से महिला पुलिस है, हम इनसे भी पूछ लेते हैं
कि ये क्या किस प्रकार से लोगों को रोक रही हैं, किस प्रकार का नाका जो है वहाँ लगा हुआ है। उर्मिला जी क्या कहेंगी, किस प्रकार का नाका लगा हुआ है यहाँ पर? हम सभी से अपील कर रहे हैं कि आप अपने अपने घरों में रहें। जो ये कोरोना वायरस बीमारी है, महामारी है, ये एक दूसरे से फैलती है, तो सभी से यही अपील कर रहे हैं कि आप अपने घरों में रहें। हमारी तो संता सेवा के लिए हमें आना है, तो आप क्यों घरों से बाहर निकलने हैं? आपको तो कोई ज़रूरी नहीं आना, लेकिन कैसे कई लोग ऐसे हैं जो एक 500 रुपये लेते हैं और के बैंक में जमा कराना, उनका मकसद सिर्फ यही है कि हम इस बहाने बाहर घूम आए। उनसे बैंक वाले भी परेशान हैं, पुलिस भी परेशान है, लेकिन जनता 90% तो सही है और 10% एक दूसरे का बहाना के लिए बस घूमना ही है उनका। क्या कहेंगे आप, किस प्रकार की कार्रवाई फिर पुलिस करती है जो व्यक्ति अनावश्यक रूप से बाहर है, उन लोगों को किस प्रकार की आप जो है कहते भी हैं, किस प्रकार की जो है शिकायतें जो है आपको लोगों को मिलती है? हम उनसे अपील ही करते हैं, फिर बाकी एक दो का चलान भी करते हैं, जो ज़्यादा वो करता है नहीं मानता उसका चलान भी करते हैं, बाकी सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कम से कम देश के लिए अंदर रहो, अपने लिए नहीं रह सकते तो कम से कम देश के लिए तो अंदर रहो। लेकिन वो एक दो ही % ऐसे आदमी हैं जो अफरा तफरी घूमने के आदि होते हैं, बाकी तो सब लोग या तो बैंकों में जा रहे हैं या फिर कोई सामान लेने जा रहा है या फिर कोई दवाई लेने जा रहा है। समय सामान लेने का समय निश्चित कर दिया गया है, सुबह और शाम 2 घंटे ही समय सामान मिलेगा, उसके बाद क्या स्थिति बनी हुई है, उसके बाद लोग कितना मान रहे हैं? सामान का तो नहीं, अब बैंकों का बहाना है लोगों के पास के बैंक जा रहे हैं जी पैसे लेने के लिए, पैसे नहीं है बस और कोई वो नहीं है। सामान वाले सुबह शाम आते हैं, वो ठीक है टाइम बंद है हुआ उनका, लेकिन जो बैंक वाले हैं वो 12-1 बजे तक आते जाते रहते हैं। बिल्कुल, जिस प्रकार से पुलिस अधिकारी कर्मचारी भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि घरों से बाहर ना निकले, जनता टीवी भी लोगों से अपील करता है कि घर से बाहर ना निकले क्योंकि कोरोना वायरस फैलने का खतरा बना हुआ है। हम तो लोगों से कहेंगे अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, मास्क लगा के रहें। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा। महेंद्रगढ़ के पड़ोसी जिले दादरी में कोरोना ने दस्तक दे दी है। अब देखना यह है कि महेंद्रगढ़ का जो प्रशासन है, महेंद्रगढ़ का जो स्वास्थ्य विभाग है, कितना अलर्ट है और किस प्रकार से उन्होंने व्यवस्था की है कि इस वैश्विक बीमारी को महेंद्रगढ़ में रोका जा सके, और अगर कोई बात भी हो जाती है तो किस प्रकार की इन्होंने व्यवस्थाएं की हुई है। ये महेंद्रगढ़ का सरकारी हॉस्पिटल है जो आप देख रहे हैं, इसमें सभी तरीके की इन्होंने व्यवस्था की है, और महेंद्रगढ़ के सरकारी हॉस्पिटल में आइसोलेटेड वार्ड से लेकर और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो सब इन्होंने मुहैया कराई है। हम इसी बात को लेकर, इन्हीं सभी व्यवस्थाओं को लेकर महेंद्रगढ़ सिविल हॉस्पिटल की SMO डॉक्टर मोनू यादव है सिविल हॉस्पिटल में, हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने इस कोरोना जैसी बीमारी से बचने के लिए महेंद्रगढ़ के सरकारी हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं की हैं। हाँ जी, मैं डॉक्टर मोनू यादव, असेंबली इंचार्ज महेंद्रगढ़। यहाँ जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना एक बहुत ही बड़ी महामारी के रूप में पूरे विश्व में फैला हुआ है, उसके लिए हर ज़िले में, हर छोटे PHC CHC लेवल से लेके SDH लेवल से आगे हर लेवल तक सब लोगों ने अपने हिसाब से प्रॉपर अरेंजमेंट कर रखे हैं। हमारे यहाँ पे फ्लू कॉर्नर चालू है, जिसके फ्लू कॉर्नर में बेसिकली जो खांसी जुकाम और जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनके पेशेंट देखे जा रहे हैं। आइसोलेशन वार्ड हमने बनाया हुआ है, उसके अंदर 10 बेड की सुविधा है, बाकी सारी मेडिसिन, इमरजेंसी PPE किट, मास्क वगैरह सभी को प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। जनता टीवी की भी अपील है कि आप अपने घर में रहें, आप अपने घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। जनता टीवी के लिए कैमरा पर्सन सौरभ शर्मा के साथ सुशील शर्मा, महेंद्रगढ़। लॉकडाउन का आज 16वां दिन है। झज्जर जिले से सुखद समाचार ये है कि अब तक जिले में कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है। इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ बहादुरगढ़ की जिया गार्डन का ये दृश्य है। यहाँ पर भी खाने के पैकेट तैयार किए जा रहे हैं पूरे हाइजीनिक तरीके से, अलग अलग लोग बैठकर, दूर दूर बैठकर, हाथों में ग्लव्स, मुंह पर मास्क लगाकर खाने के पैकेट तैयार करें। इन पैकेटों को ज़रूरतमंद लोगों तक भिजवाया जाएगा। सेक्टर्स जो अलग अलग सुपरवाइजर्स प्रशासन ने बनाए हैं उन लोगों के मार्फत जहाँ जहाँ से डिमांड आ रही है उन लोगों तक ये खाना पहुंचाया जाएगा। जिला प्रशासन के अधिकारी हमारे साथ हैं, हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके से व्यवस्था बनाई है और कम्युनिटी किचन में अब तक क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और कितने लोगों के लिए कम्युनिटी किचन में खाना बनाया जा रहा है। BDO सब बताएं कि कम्युनिटी किचन में कितने लोगों के लिए खाना बनाया जा रहा है और क्या व्यवस्था। नमस्कार, मैं रामपाल सिंह, BDPO बहादुरगढ़ है। हमारे पास लगभग सभी बहादुरगढ़ क्षेत्र से 6000 से अधिक की डिमांड आई है खाने की। कम्युनिटी किचन हमारे 3 तैयार हैं सेक्टर 6 कम्युनिटी सेंटर में।
दूसरा हमारा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है रेलवे रोड, तीसरा परनाला गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। ये हम तीनों किचन में मिला के लगभग हम 2000 से प्लस का खाना हम अपने स्तर पर तैयार कर रहे हैं, और बाकी 4000 जो है यहाँ जितनी भी सामर्थ्य संस्थाएँ हैं जिन्होंने खुद अपना आगे आके ने आश्वासन दिया वो खाना दे रहे हमें, और उन्हीं के माध्यम से खाना लेके हम नोडल अधिकारियों के माध्यम से क्षेत्र में खाना बंटवा रहे हैं। पूरे भादुरगढ़ शहर में सभी नोडल अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, सभी को ये निर्देश हैं कि भाई कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, और हमारा ये प्रयास है जिला प्रशासन का कि भाई हम उपायुक्त महोदय के निर्देश ये है कि भाई कोई भी व्यक्ति कहीं से भी कोई भूखा ना सोए, तो जिला प्रशासन इसके लिए पूरा तैयार है, और जो गैप है वो संस्थाओं से ही पूरा किया जा रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी संस्थाओं का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ऐसे समय में प्रशासन का साथ दिया। चाहे वो शेल्टर होम हो या घरों में लॉकडाउन की वजह से कैद वो लोग जो डेली कमाते थे और डेली खाते थे, हर किसी के खाने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जा रही है। प्रशासन ये आश्वस्त कर रहा है कि किसी को भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। प्रवीण कुमार, जन टीवी, बहादुरगढ़। सोनीपत में लॉकडाउन का 16वां दिन है, दिन वीरवार है। मैं अभी रेलवे रोड पर खड़ा हूँ। रेलवे रोड से ये रास्ता जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये रास्ता सीधा गीता भवन चौक की तरफ जाता है। देखिए, पुलिस ने बैरिकेडिंग की है लेकिन लोगों की आवाजाही फिर भी जारी है। अब ये जो रास्ता है ये सीधा गीता भवन चौक और शहर के मुख्य मार्गों को जोड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ये रास्ता सुभाष चौक की तरफ जाता है, जहाँ से माल टाउन, कच्चे क्वार्टर और अन्य महत्वपूर्ण चौक चौराहों पर भी ये रोड जाता है। सोनीपत की मैं आपकी स्थिति बता देता हूँ, वीरवार के दिन आज क्या स्थिति है। सोनीपत में कुल 4 कोरोना पॉजिटिव हैं, जिनमें से एक की प्राथमिक रिपोर्ट ही पॉजिटिव आई थी, दूसरी का प्रशासन को इंतजार है, इसलिए प्रशासन की नज़र में कुल 3 ही मामले हैं। जो तीसरा मामला कल नया सामने आया था वो सैनीपुरा का रहने वाला है, उसे भी जमाती बताया जा रहा है। इस तरह से सोनीपत के कुल पॉजिटिव में 2 जमाती हो गए हैं। सोनीपत प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है, काम कर रहा है, लेकिन जिस तरह से कोरोना के मामले 2 दिन में बढ़े हैं, उससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में और भी मामले बढ़ सकते हैं। सोनीपत से जनता टीवी के लिए दीपक वर्मा। कोरोना की जंग से लड़ने के लिए पूरे देश भर में जो है 21 दिन का लॉकडाउन किया गया है। अगर यमुनानगर की बात करें तो आज 16वां दिन लॉकडाउन का है, और आप पीछे भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो पुलिस है वो दिन रात डटी हुई है। यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, हर आने जाने वाले को समझाया जा रहा है कि वो अपने घरों के अंदर रहे, और जो लोग बिना मास्क के निकल रहे हैं उनको भी यही कहा जा रहा है कि वो मास्क लगाएं ताकि ये जो संक्रमण है वो ना फैले। पुलिस दिन रात यहाँ पर डटी हुई है, बैरिकेडिंग भी की गई है। थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं, और जो पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से जो है लोगों को समझा रहे हैं और क्या कुछ बता रहे हैं। मैडम, आज जिस प्रकार से 16वां दिन है लॉकडाउन का, पुलिस क्या अपील कर रही है, क्या कहा जा रहा है? सर, पुलिस यही अपील कर रही है कि पुलिस आपके लिए, अपनी आम जनता के लिए, देश की उसकी सुरक्षा के लिए सड़कों पर दिन रात खड़ी है, और आपसे हाथ जोड़कर यही निवेदन कर रही है कि आप सब अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। और 16वें दिन है आज लॉकडाउन का, फिर भी हम पब्लिक से यही हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि आप अपने प्रधानमंत्री जी का सहयोग करें और अपने घर में रहें, उनको, अपने आप को भी सुरक्षित रखें और देश को भी सुरक्षित रखें। तो आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर महिला पुलिस अधिकारी मौजूद हैं और लोगों से यही अपील की जा रही है कि वो दिन रात सड़कों पर खड़े हैं ताकि आप लोग सुरक्षित रहें, अपने घरों से बेवजह ना निकलें। और जनता टीवी भी बार बार यही अपील कर रहा है कि लोग अपने घरों के अंदर सुरक्षित रहें ताकि ये संक्रमण ना फैले। और जिस प्रकार से आज 16वां दिन है और ये लॉकडाउन सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसी प्रकार से आगे भी ये लॉकडाउन पूरे तरीके से सफल हो, आप अपने घरों के अंदर सुरक्षित रहें, बार बार यही अपील की जा रही है। सुमित ओबेरॉय, जनता टीवी, यमुनानगर। कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए आप प्रशासन पूरी तरह से युद्ध स्तर पर जुट गया है, और इस वक्त हम कंटेनमेंट जोन में खड़े हैं। ये वे एरिया है जहां पर 13 क्षेत्रों में वे एरिया शामिल है जहां पर सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव्स की संख्या पाई गई है, जिसके चलते पूरे एरिया को सील कर दिया गया है। किसी भी तरह की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। सैनिटाइजेशन के लिए जो है टीमें लगाई गई हैं, प्रशासन की टीम यहाँ पर मौजूद है। जिस तरह से पोलियो अभियान डोर टू डोर चलाया जाता है, उसी तरह से कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए, संक्रमण को रोकने के लिए वही अभियान यहाँ चलाया जा रहा है। घर घर स्क्रीनिंग और घर घर जांच की बात कही जा रही है। पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है, बैरिकेडिंग की हुई है, डोर स्टेप तक लोगों तक सामान पहुँचाया जाए इसको सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के नाके बढ़ा दिए गए हैं। हमारे साथ पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद है। सर, कंटेनमेंट जोन है ये, तो किस तरह की तैयारियाँ यहाँ पर की गई है?
है मैम, पूरा सेक्टर हमने बैरिकेडिंग वगैरह करा दी गई है, सैनिटाइजर वगैरह छिड़कने लग रहे हैं और हम पब्लिक को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं। VRDC साहब का आदेश है, सेक्टर 3 रेड अलर्ट कर दिया गया है, तो आपसे सभी से अनुरोध है कि अपने घरों के अंदर रहे, बाहर ना निकले, पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। हम अपनी जान की बाजी लगाते हुए इनके बीच में सेवा करवा रहे हैं, हम अपनी परवाह ना करते इन लोगों से हाथ जोड़ से यही अपील कर रहे हैं कि कृपया करके आप अपने घरों के अंदर रहें। अभी जो विभाग है उनके संयुक्त प्रयास से यहाँ पर किए जा रहे हैं, तो जनता टीवी भी बार बार लोगों से यह अपील कर रहा है, खासकर कंटेनमेंट जोन के लोगों से, कि आपकी सुरक्षा के लिए पूरा प्रशासन का जो अमला है यहाँ पर तैनात है, प्रशासन का सहयोग करें, सरकार का सहयोग करें, PM मोदी की अपील का सहयोग करें, ताकि कोरोना की इस चेन को तोड़ा जा सके। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, जनता टीवी। राहत भरी खबर यह है रेवाड़ी के लिए कि रेवाड़ी पे एक भी पॉजिटिव केस नहीं है। लॉकडाउन के अगर बात करें तो पूरी तरीके से पालना हो रही है, पुलिस जो है जगह जगह पे बैरिकेड्स लगाकर लोगों के आवागमन को रोक रही है, सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है जिनको पास जरूरी कागजात हैं या जिन्हें परमिशन ली हुई है, उन्हीं वाहनों को शहर में प्रवेश दिया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त है रण सिंह जी, पुलिस अधिकारी हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि क्या कुछ पुलिस ने व्यवस्था कर रखी है। रण सिंह जी बात करें अगर, क्या कुछ व्यवस्था है पुलिस की? पूरे शहर में, पूरे ज़िले में पुलिस नाके हैं, पेट्रोलिंग है और कॉलोनी में, सोसाइटी में जाके खुद पुलिस चेक करे, कोई संदिग्ध व्यक्ति जो बाहर से आया हो तो उसका मेडिकल चेकअप कराने की अपील की गई। साथ में अभी सोसाइटी में भी आप अनाउंस कर रहे थे, किस तरीके के अनाउंस कर रहे थे? लॉकडाउन के दौरान कोई आदमी बाहर से यात्रा करके आया हो या संदिग्ध हो जिसमें वायरस के लक्षण दिखाई दे रहे हो तो उसको मेडिकल चेकअप कराया जाएगा, उसको छिपाए ना, जनता से अपील है उसको पुलिस प्रशासन को या अस्पताल को हेल्पलाइन पे सूचित करें। लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, किस तरीके का मैसेज आप लोगों को देना चाहेंगे? जिला पुलिस 24 घंटे अपनी ड्यूटी पर है, तो हम लोगों से अपील करते हैं कि लॉकडाउन का पूर्णतया पालन करें, आवश्यक हो तो ही घर से निकले, अनावश्यक घर से ना निकले, इसमें बचाव ही समाधान है। जी बिल्कुल, ये रण सिंह जी हैं, बिल्कुल कह रहे हैं कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, उनकी 24 घंटे उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस तत्पर है, पुलिस पूरी तरीके से रोड पर तैनात है, किसी भी तरीके की अनहोनी से निपटने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। जनता टीवी के लिए रेवाड़ी से सुरेंद्र गौड़। हाँ, एक तरफ पूरे हरियाणा में तबलीगी जमात की वजह से नंबर ऑफ पेशेंट्स दिनों दिन काफ़ी बड़ा है, वहीं इसको लेकर सिरसा में भी कल 8 लोगों के सैंपल लिए गए थे, लेकिन खुशी की बात यह है कि वो 8ों के 8ों सैंपल नेगेटिव आए हैं और फिलहाल सिरसा में 3 ही मरीज़ हैं कोरोना से संक्रमित। बाकी लॉकडाउन का जहाँ तक हम असर देख रहे हैं, सिरसा इस समय पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन कर रहा है, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज और कुछ और लोग हैं जो कि बाहर निकल रहे हैं। बाकी इनकी पुलिस की तरफ से पूरी वेरिफिकेशन की जा रही है, वीडियोग्राफी की जा रही है और पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। जहाँ तक हम सिरसा के गाँव की बात करें तो पूरा सिरसा का हर गाँव पूरी तरह से लगभग गाँव वालों ने अपने स्तर पर सील कर दिया है। फिलहाल नाके पर मौजूद पुलिस कर्मचारी से हम बात करते हैं कि कहाँ क्या माहौल है। सिरसा को जहाँ तक देखें लॉकडाउन का कितना असर आप पाए? बहुत बढ़िया चल रहा है जी लॉकडाउन, पब्लिक काफ़ी सहयोग कर रही है, तो पब्लिक का सहयोग इसी तरह मिलता रहे तो सिरसा में लॉकडाउन कामयाब है। क्या अपील करेंगे आप लोगों से? मैं तो ये जनता से अपील कर रहा हूँ कि ये लॉकडाउन सरकार के आदेशों का पालना करें और इस बीमारी से हम जीत सकें, ये जंग है। मेन किस किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं आपको? हमारे को तो लोग, कुछ लोग अनपढ़ हैं, वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे, इस चीज़ की दिक्कत आ रही है, बाकी पढ़े लिखे लोग हैं वो फॉलो कर रहे हैं इसका आदेश के। तो इस हिसाब से हम सोच सकते हैं कि सिरसा में लॉकडाउन हर तरह से कामयाब है। सिरसा से जनता टीवी के लिए डॉक्टर अभिषेक की।